पवन सिंह पवनवा नहीं करता है, फलनवा ने फलनवा बोले की तो तू आना ना हो। मेरा कहना भी ये है कि बोलना है बेटा तू, या तो मेरे सामने तुम आ जाओ, नहीं तो बोलो हम तुम्हारे सामने आ जाए। तुम्हें बहुत कुछ हो जाता है तो भी मैं बोलना उचित नहीं समझता। ठीक बाबा, इतने बोल के खुश बाड़े, खुश रहो। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। माफी चाहत हनी, कहीं की एक को नाम ले तो फिर भूल हो जाइए जब। और हमारी जो फिल्म की शूटिंग चल रहा था, जो फिल्म के नाम है मोहरा, नमस्कार। हमारे फेवरेट डायरेक्टर है अरविंद चौबे जी, उन्हीं का शूट चल रहा है, क्या करिएगा। ये आप सभी का आशीर्वाद है। शूटिंग भी चला था, फिर डबिंग भी चला था, फिर सेट पे गया शूटिंग के लिए। पता चला कि आप सब गरज रहे हैं कि जल्दी भैया को बुलाओ यार। तो मैंने बोला चौबे जी से कि चौबे जी आज छोड़ दीजिए, हमारे भाई सब आए हैं। और ये जो गाना मेरा आज आया हुआ है आदि शक्ति फिल्म से, नमस्ते, इस चैनल के प्रोड्यूसर हमारे मित्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, और ये ब्राह्मण देवता है तो हमारे लिए ये बाबा है। मैं चाहूंगा आप मंच पे आइए। जोरदार तालियों से हमारे निर्माता मनोज मिश्रा सर का स्वागत किया जाए। एवरीवन प्लीज मेक सम नॉइज। इनके जीवन की शुरुआत होती है जय माता दी से। बड़े प्यारे इंसान है, बहुत भावुक इंसान है, तो मैं जितना भी इनके बारे में बखान करूंगा वो कम ही होगा। और जब भी मिलते हैं तो बड़े अच्छे भाव से मिलते हैं। मेरा पता नहीं क्या क्या शेड्यूल बना हुआ था, और ये बाबा आए घर पे, बोले भैया जय माता दी, कैसे भी करके कुछ भी करिए, नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने बोला अमीर देखो यार, जो भी हो मेरे बाबा परेशान ना, ये खुश रहे। क्या बात है यार, जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस मोमेंट। और सब लोग खुश रहे, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, जब हमारी खुशी में आप खुशी भर देते हैं, इसलिए बोलता हूं कि आप सब मेरे लिए भगवान हैं। क्या है, मैं पूरे भोजपुरी संसार को अपना परिवार समझता हूं, और ये समझ के मैं कोई एहसान नहीं करता हूं, ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप हैं, आप ही बनाते हैं किसी को। एक रात में आप ही किसी को वहां से वहां पहुंचा देते हैं, तो ये मैं भूल के कोई एहसान नहीं कर रहा हूं आप पे। आप हैं तो हम हैं, रियल सुपरस्टार आप लोग, असली राजा आप लोग। अब यही मैं कौन कौन भाई, सब है हमारे भाई ये बात, लेकिन कोनो कोनो भाई पाड़े सर कि बोला तुम, कभी कभी यूट्यूब हम देखी गाड़ी में बैठ के जब सेट पे हम जाते हैं, फलनवा ने फलनवा बोले मैं क्या है आप लोगों को भी पता है मैं कम बोलता हूं। अब देखा हम भाया भाया वाला आदमी ना, हम डायरेक्ट वाला आदमी की तो तू आना तो हो। तुम्हें बहुत कुछ हो जाता है तो भी मैं बोलना उचित नहीं समझता। ठीक बाबा, इतने बोल के खुश बाड़े, खुश रहो। दुनिया को पता है कि पवन सिंह क्या, फलनवा ने फलनवा को रेल दिया। एजा देश के जे राजा पवन को के बोले वाला मुंह पीछे बोला था। मेरा कहना भी ये है कि बोलना है बेटा तू, या तो मेरे सामने तुम आ जाओ, नहीं तो बोलो हम तुम्हारे सामने आ जाए। एगो गांव में बाबा के तबीयत खराब भइल,
गांव का लड़का पूछले साहेब बाबा काहे कि अब झूठो के ही मेरे बड़ा जय राम राम करो ठीक ठीक बाबा कहले कि बेटा अब एजा से का राम राम करे के भाई अब डायरेक्टे बात होई अब सामने सामने बात होई एजा से का बोली है कोई नहीं हमारा परिवार है उसमें से हमारे कुछ भाई हैं जो इस तरीके की बात करते हैं बाबू आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अच्छाई की रोटी खाइए मेहनत की रोटी खाइए क्यों किसी के बारे में बुरा भला बोल रहा है अच्छा बोलना है तो बोलिए अनिल किसी के लिए बुरा मत बोलिए भगवान आप सभी को मुझे भी सद्बुद्धि दे हम सब भाई मिल के रहे एक रहे आज आप सबने देखा तो हर भाई लखनऊ में आजकल ज्यादा रहा था रातों रात गाना गाया और मैं अपने भाइयों से बोला कि मुंबई हम ना जाए तो ये पवन सिंह नहीं करता है पवन नहीं करता है पवनमा नहीं करता है हमारी ताकत आप हैं हमारा जोश आप हैं हमारा स्वाभिमान आप हैं तो पवन सिंह पवन नहीं करता है पवनमा नहीं करता है हमारी ताकत आप हैं हमारा जोश आप हैं हमारा स्वाभिमान आप हैं तो पवन सिंह हम सब परिवार हैं खुश रहे गाना आएगा इस गाने में जो लड़की मेरे साथ काम की है पलक वर्मा उनका नाम है मैं चाहूंगा आप आइए मंच पे अरे जियो मैं चाहूंगी मनोज सर से कि प्लीज अपना सम्मान अपना प्यार पवन सर को इस मूवी के थ्रू दिखाएं अभी बस जोरदार तालियां हो जाए यार प्लीज गोल्फ सिटी मुझे भाग गया मुझे लगा ऐसा महसूस हुआ कि ज्यादातर काम जब यूपी में ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर को हमारी फिल्म को सब्सिडी मिल रही है तो हर लोग कोशिश कर रहा है हर लोग यही चाह रहा है कि यही काम हो यही शूटिंग हो क्योंकि हमारे यहाँ हम सबको यहाँ सुविधा मिल रही है और सुने में आई है कि बिहार में भी शायद चालू होता तो ऐसा काम अगर हो जाएगा हो गया तो मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूं इस शुभ काम के लिए ये हमेशा हर जगह हो गई चाहिए ये लड़की काम की है मेरे साथ पहली बार एकरो कमावा एकरो मेहनतवा हमारे करेगा पड़ा क्योंकि शूटिंग में बबुआ ने बड़ी दिल से खर्चा किया हम सोचले कि का करेंगे वह बतिया वाला नहीं हम डायरेक्ट वाला है लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं बोलूंगा कि बाबा चला बाद में बैठिए तो बबुआ कहता कि हम तो गड़बड़ा चाहिए तो मैंने देखिए सीखना सबको है कोई अगर बोल दे कि हमको आ गया तो समझिए कि उनका बिना शब्द सीखना सबको है मेहनत सबको करना है हाँ ये लड़की पहली बार मेरे सामने खड़ा हुई थोड़ा नर्वस थी नहीं कर पा रही थी बट फिर भी इस गाने के डायरेक्टर हमारे दीपांश जी हैं जो बाबू ने बहुत अच्छे से काम कराया हाई स्पीड रैप बारिश वो क्या बिजली का झटका जो ड्रेसअप मेरे बाबू ने दिया है बहुत अच्छा लगा दिल से धन्यवाद आप बहुत तरक्की करिए बहुत